हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम अपनी नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक्स की सीरीज है। क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स को इसमें हम कवर करने वाले हैं गाइस। मुझे पता है इकोनॉमिक्स यार नया चैप्टर है, बिल्कुल नया, पूरा सब्जेक्ट ही नया है, क्योंकि अब तक हमने सोशल पढ़ी थी। उसमें क्या होता था, पूरी बुक पढ़ते थे, एक बुक होती थी जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही नाइन्थ क्लास में आए, अब सारे सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, हमें सिविक्स अलग हो गई है, हमारी इकोनॉमिक्स अलग हो गई है, ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग है। समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें। ठीक है, इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स को इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि हमें बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हम यहाँ पर पूरे अच्छे से इकोनॉमिक्स को कवर कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़, और उसका पहला चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर। ठीक है, नाम है इसका पालमपुर की स्टोरी, लेकिन ये कोई स्टोरी नहीं है, स्टोरी की तरह समझाया गया है। लेकिन बेसिकली एक स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हमें क्या पता चलेगा कि हमने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर भी कवर कर लिया है। कैसे कवर करेंगे, चलो देखते हैं। तो इसमें पहले ही बताया गया है कि जो ये पर्पस है इस स्टोरी को पढ़ने का, जो पालमपुर ब्लेज की स्टोरी है उसको पढ़ने का, या फिर इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है, तो पर्पस है हमारा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, कोई गुड, कोई सर्विस, कोई सामान अगर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता होगा। कैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि हमें पता है कि पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस बुक में क्या किया गया है, स्टोरी की माध्यम से हमें बताया गया है कि कैसे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सपोज करो आप एक चॉकलेट, ठीक है, आपकी फेवरेट चॉकलेट कोई सी भी हो सकती है, सपोज यहाँ पर डेयरी मिल्क, ठीक है। अब डेयरी मिल्क जो है कैसे बन रही है, ठीक है, अब वो कैसे बन रही है, तो उसमें आपको उसकी सारी प्रोसेस, ठीक है, कुछ लोगों का दिमाग लगा होगा उसमें, उसको बनाने की प्रोसेस, रेसिपी किसी ने तैयार की होगी, ठीक है, उसमें पैसा लगा होगा, और क्या लगा होगा उसमें, रॉ मटेरियल लगा होगा, कुछ तो मिल्क लगा होगा, चॉकलेट लगी होगी, शुगर लगी होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी ये सब लगा है, ठीक है, ये कैसे लगा, कैसे बनी, तो वो सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ये हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो ब्लेज है वहाँ पर क्या है, जो मेन एक्टिविटी है, जो सारे लोग जो मेन काम कर रहे हैं, जिससे पैसा मिल रहा है उनको, पैसा कमाने के लिए जो काम किया जा रहा है, तो मेन एक्टिविटी क्या है, आपकी फार्मिंग है। वेयर एज़ दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी फार्मर्स हैं या फिर जितने भी लोग पालमपुर में रह रहे हैं वो सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि ज़्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे कि छोटे स्केल पर छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, छोटे मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बना रहे हैं, डेयरी का काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पर, तो कुछ लिमिटेड स्केल पर और भी काम हो रहे हैं, लेकिन जो मेजर काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, जो वो चीज़, ऐसी एक ऐसी चीज़ जो क्या कर रही है, वो ख़त्म भी नहीं होगी जल्दी, और वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है, ठीक है, वो होता है रिसोर्सेज। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, कुछ भी बनाओगे, तो आपको क्या चाहिए होंगे, कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स चाहिए होगा, मैनमेड आइटम चाहिए होंगे जो हमने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं, ह्यूमन का एफर्ट लगेगा, हमारी मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, तब जाकर कोई चीज़ बन पाती है। तो ये क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, कल को आपको अगर कुछ बनाना है, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, वो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। देन पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग ब्लेज। सबसे पहले तो पालमपुर के बारे में जानते हैं कि पालमपुर के बारे में क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि पालमपुर क्या है, वेल कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि जो आसपास की जगह है, पालमपुर के आसपास के जो और विलेजेस हैं या फिर और टाउन्स हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, पक्के वहाँ पर रोड बने हुए हैं। तो एक वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा सा गांव है पालमपुर के पास में, जिसका नाम है रायगंज, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ठीक। उसके बाद में
क्या बोला है कि ऑल वेदर रोड कनेक्टेड है, ठीक है। रायगंज से पालमपुर कैसे जुड़ा हुआ है, पक्की रोड बनी हुई है। दो रोड दो तरीके की होती है, कच्ची रोड होती है जैसे मिट्टी विट्टी पड़ी होती है, बस बारिश होती है वहाँ पर पानी भर जाता है, दलदल हो जाती है, ठीक है, वहाँ पर फिर हम नहीं चल सकते। एक पक्का रोड होता है जिस पर बारिश हो कोई मतलब नहीं, हम फिर भी उस पर चल सकते हैं। तो क्या बोला है कि पालमपुर में क्या है, पालमपुर और रायगंज के बीच में जो रोड है वो पक्की रोड है कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो वो रोड सही रहती है और वहाँ पर हम फिर भी चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद में एक टाउन से भी पालमपुर कनेक्टेड है और टाउन का नाम क्या है, शाहपुर, ठीक। तो टाउन भी है और एक बड़ा विलेज भी है और पालमपुर खुद भी एक विलेज है, ये सब आपस में वेल कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि वहाँ पर बुलक कार्ट चलती है, तांगा चलता है, बुग्गी चलती है, और उसमें क्या होता है बुग्गी में गुड़ भरी हुई होती है, जैगरी, ठीक है, गुड़ जो है उससे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। साथ में मोटरसाइकिल भी चलती हैं वहाँ, जीप भी चलती है, ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रक्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी चल रहे हैं। अब ये क्या बताया है, ये बताया कि जो रोड है या फिर जो विलेज है पालमपुर वो अच्छे से कनेक्टेड है। तो अब ये जो ब्लेज है ये वेल कनेक्टेड है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमें क्या बताया गया है, अब हमें बताया गया है कि ये ब्लेज जो है इसमें एक कमी भी है। क्या कमी है, ये देखो यहाँ पर बताया है कि इस ब्लेज में टोटल कितनी फैमिली है, 450 लोग रह रहे हैं, 450 फैमिली रह रही हैं जिसकी अलग अलग कास्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है पालमपुर में कि कास्ट की प्रॉब्लम है। 80 लोग जो हैं 80 अपर कास्ट फैमिली हैं जिनके पास में मैक्सिमम लैंड है, ठीक है। टोटल कितनी फैमिली रह रही हैं, 450, लेकिन उनमें से सिर्फ 80 ऐसी फैमिलीज हैं, 80 ऐसी अपर कास्ट फैमिली हैं जिनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है। बचे हुए जो लोग हैं उनके पास लैंड नहीं है या फिर है तो थोड़ी बहुत है। ज्यादा से ज्यादा लैंड किसके पास चली गई, सिर्फ 80 फैमिलीज के पास में। क्यों है ऐसा, क्योंकि उनके वो क्या है अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनके घर बहुत अच्छे बने हुए हैं, जैसे कि ईंट से बने हुए हैं, सीमेंट है, प्लास्टर है, टाइल्स लगी हैं, बड़े अच्छे स्पेशल बंगला उनके बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और रिच हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे लोगों की बात करें जो एससी हैं, जिनको दलित बोलते हैं, उन वो कितने हैं, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 150, 450 का 1/3, ठीक है, 150 पॉपुलेशन जो है, 150 फैमिलीज हैं वो एससी हैं, ठीक है, और उनके घर छोटे मोटे घर बने हुए, झोपड़ी बनी हुई है, वो भी उस गाँव के बाहर। मोस्ट ऑफ दी हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो ज़्यादातर घर हैं, ठीक है, पालमपुर में भले ही वो छोटे मोटे हैं, गांव के बाहर हैं या फिर बड़े हैं, ठीक है, दलित के हों या किसी के हों, ज़्यादातर घरों में क्या है इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सबके घर पे बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स जो हैं ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब मतलब क्या है कि पालमपुर में इरिगेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से इरिगेशन हो रहा है, ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर के जो विलेजर्स जो फार्मर्स हैं वो इस इंतज़ार में बैठे कि कब बारिश हो कब वो सिंचाई करें, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनके यहाँ पर आराम से लाइट आ रही है और ट्यूबवेल्स भी चल रही हैं। एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मतलब कि छोटे बच्चों वाले, एक हाई स्कूल भी है, ठीक है, एक हेल्थ सेंटर भी है और एक आपकी प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। अगर आप बीमार हो जाओ तो आपका अच्छा खासा वहाँ पर इलाज हो सकता है। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि डिस्क्रिप्शन अबव शोज, जो डिस्क्रिप्शन है वो शो करता है कि पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड का, अच्छा खासा रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी हो रहा है, फिर स्कूल्स भी हैं और हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है। तो यानी कि है तो वो गांव, लेकिन काफ़ी अच्छी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इन एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब ये जो पालमपुर है, पालमपुर के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए हम देखेंगे कि बहुत सारी जो हैं एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं कहाँ पर, एक गांव में। तो एक गांव में कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम पालमपुर की स्टोरी के ज़रिए देखते हैं। अब इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग जो है, अब गांव का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले क्या नज़र आता है, आंखें बंद करके देख लो चाहे आंखें खोल के सोच लो, अगर गांव के बारे में सोचेंगे सबसे पहले आएगा खेत,
ठीक है, खेत नज़र आ रहे हैं, गाय भैंस नज़र आ रही हैं, ये चीज़ तो ज़रूर नज़र आ जाती है आंखों के सामने, क्योंकि गांव का हमने रिलेशन ही ऐसा बना रखा है कि अगर कोई पर्सन गांव से बिलोंग करता है तो हम क्या कहते हैं, भैया तुम्हारे खेत होंगे, तुम खेती करते होगे, तुम्हारे घर पर गाय होंगी, तुम्हारे घर पर भैंस होंगी, ये तो हम कहते ही कहते हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि विलेजेस में सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी जो प्रोडक्शन की हो रही है वो होती है फार्मिंग, ठीक है। लोगों के पास खेत होते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो कुछ गाय भैंस पाल लेते हैं, तो डेयरी फार्मिंग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनकी अगर कुछ लोग घोड़े पाल लेते हैं या फिर उनके बैल होते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट में भी काम आ जाते हैं, बुग्गी चलाने लगते हैं, ठीक है, छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं या फिर स्मॉल लेवल पर वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं। तो अब हमने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे पालमपुर में हो रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि अब अगर हमने ये देख लिया प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, लेकिन हम कैसे करेंगे प्रोडक्शन। अब सपोज़ करो हमारा मन है कि हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ गुड अपना बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, क्या क्या चाहिए होगा, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो हम इसमें देख रहे हैं। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। क्यों कर रहे हैं प्रोडक्शन, क्यों चैप्टर लेकर बैठ गए ये हम, क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं कि हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हम जानना चाह रहे हैं, हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन हम प्रोडक्शन करते क्यों हैं, तो एम क्या है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन की एम है जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए उनको प्रोड्यूस करना है। सपोज करो, ठीक है, आपको एक पेन की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो पेन बनाना चाहता हो, पेन का प्रोडक्शन ही नहीं है, तो क्या आप वो पेन दे सकते हो, ठीक है, पेन चाहिए, नहीं मिलेगा पेन, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन है ही नहीं जो बना रहा है, राइट। तो हमें जो चीज़ चाहिए, जो हमें चाहिए, हमारी जो वांट है, ठीक है, उस वांट को पूरा करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, ठीक है, जो हमें चाहिए उसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चार रिक्वायरमेंट हमारी हैं, ठीक है, फोर रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ठीक है, चार चीज़ें अगर आपके पास हो गई ना तो आप प्रोडक्शन कर जाओगे, ठीक। तो इसमें पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड, आपके पास लैंड होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हो। और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जैसे पानी होना चाहिए आपके पास, फॉरेस्ट होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। अब जैसे कि अब यहाँ पर हमने कहा पेन के बारे में, ठीक है, तो अब आप ये पूछ सकते हो कि मैम पेन बनाना है तो उसमें लैंड की क्या ज़रूरत है, ज़मीन की क्या ज़रूरत है। अब बताओ पेन बनाना है कहाँ बनाओगे, फैक्ट्री में बनाओगे, फैक्ट्री कहाँ लगाओगे, लैंड पर ही तो लगाओगे, हवा में तो फैक्ट्री लग नहीं जाएगी आपकी, राइट। तो अब वो फैक्ट्री जो आप बनाओगे वो फैक्ट्री कहाँ पर बन रही है, लैंड पर बन रही है, राइट, इसीलिए हमें लैंड की ज़रूरत है, ठीक। और क्या चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, उसके लिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक कहाँ से आ रही है, ठीक है, केमिकल्स चाहिए हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिनरल्स चाहिए होंगी, वो सब लैंड से ही तो आएंगे, इसीलिए पहली चीज़ आपकी क्या चाहिए, लैंड। कुछ भी बनाओगे ज़मीन पर ही तो बनाओगे, राइट, इसीलिए लैंड पहला फैक्टर हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दूसरी चीज़ क्या चाहिए, लेबर। पेन बनाओगे, सपोज आप एक पेन बनाओगे तो आपको ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए, तो खुद को तो आप बनाओगे ना, खुद तो आप जाकर बनाओगे पेन को, तो क्या चाहिए, लेबर। अब चाहे वो एक लोग करें, 10 लोग करें, 1 लाख लोग करें, करोड़ लोग करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेबर तो चाहिए चाहिए। लेबर क्या होता है कि पीपल जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कह दिया पेन बन जाओ, पेन अपने आप बन जाएगा, नहीं बनेगा, कोई ना कोई उसे बनाएगा, तो जो वो पर्सन जो उस पेन को बनाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लेबर हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होशियार लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मेहनत वाले लोगों की ज़रूरत होती है, जो भले पढ़े लिखे ना हों लेकिन वो मैनुअल वर्क, फिजिकल वर्क काफ़ी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो बिल्कुल बॉडी बिल्डर लोग चाहिए होते हैं जिनमें बहुत, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का हम काम करा सकते हैं, ठीक, भले वो दिमाग ना लगाए लेकिन बॉडी से बहुत ज़्यादा काम कर सकें। तो ये हमारे काम पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के लोग उस टाइम पर चाहिए हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा लेबर। थर्ड क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, ठीक,
फिजिकल कैपिटल। अब कैपिटल भी तो यहाँ कह सकते थे, फिजिकल कैपिटल क्यों कहा है, क्योंकि कैपिटल दो तरीके की है। थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल है और फोर्थ है ह्यूमन कैपिटल। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब जितने भी आपके टूल हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, पैसा हो गया, ये सब चीज़ें जो मिलाकर आपको चाहिए हैं, रॉ मटेरियल हो गए, ये सब फिजिकल कैपिटल में आता है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की कैपिटल है। एक है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स दो फिजिकल में क्या है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, चलो ये देख लेते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल इज जो आपकी टूल हो गए, मशीनरी हो गए, चाहे वो आपका सिंपल सा आपका एक पेन हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है, आपका प्लो हो गया फार्मर का, या फिर कोई मशीन हो गई, जनरेटर हो गया, टर्बाइन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कुछ भी चीज़, ठीक है, आपकी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो कि आप बहुत सालों तक प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, वो होती हैं फिक्स्ड कैपिटल। मतलब क्या है, वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, एक अपने एक बिल बनाया, ठीक है, और बिल बनाने के साथ साथ आपका जो पेन था वो भी ख़त्म हो गया, पेन गायब, ऐसा नहीं होता है ना। आपने बिल बनाया, दूसरा बिल बनाओगे, तीसरा बिल बनाओगे, कितने बिल बना लो, पेन की रिफिल ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पेन की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई, पेन गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है कि जो आपका रहता है, प्रोडक्शन कितना भी कर लो लेकिन वो चीज़ आपकी एग्जिस्टेंस में रहती है, वो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वहीं पर रॉ मटेरियल है, मनी है हाथ में, वो क्या ख़त्म होगा। आज आपके पास 10 रुपये हैं, आपने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, 10 रुपये तो गायब हो गए ना, ऐसा थोड़ी ना 10 रुपये हाथ में ही रहेंगे, प्रोडक्शन भी हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। रॉ मटेरियल आपका ख़त्म होता रहेगा। तो क्या है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल इज जो आपका ख़त्म हो जाए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आपका प्रोडक्शन के साथ में ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो वर्किंग में यूज़ हो रही है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, प्रोडक्शन होगा और वो चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो ख़त्म होती जाएगी, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अगर आपने क्या करा है, आपने एक कॉटन की शर्ट बनाई, ठीक है, शर्ट में चाहिए कॉटन चाहिए है, फिर उसका धागा बना लिया, उसका कपड़ा बना लिया, सिल दिया, आपकी शर्ट बन गई। अब जो शर्ट बन गई, आपकी ये शर्ट बन गई अगर, तो क्या होगा, शर्ट बन गई है तो यहाँ पर जो शर्ट है, अब ये शर्ट भी रख लो और यहाँ पर आपका कपड़ा भी हो जाए, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। या तो शर्ट रख लो या फिर कपड़ा रख लो, कपड़ा यूज़ होगा, शर्ट बन जाएगी, कपड़ा गायब हो जाएगा। तो मतलब कपड़ा क्या है, रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट इज यहाँ पर बोला गया है एक और कैपिटल के बारे में बताया गया है। और कैपिटल क्या है, वो है आपकी फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। ये क्या चीज़ है, देखो आपको क्या है, आपको पैसा दे दिया, ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल दे दी, आपको फिक्स्ड कैपिटल दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपके पास दिमाग ही नहीं है कैसे यूज़ करना है। सब कुछ सामने है, लैंड है, आपके पास मनी है, आपके पास सारी कैपिटल है, ठीक है, लेकिन कैसे यूज़ करना नहीं पता। कर पाओगे प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब ये सब कुछ है लेकिन इनको यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास माइंड होना चाहिए, ठीक है, आपके पास आपका दिमाग होना चाहिए। तो जो ये माइंड है ना, यही आपका फोर्थ फैक्टर है, ठीक है, यही आपकी जो नॉलेज, इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, तो ये चीज़ें किस तरीके से यूज़ की जाएंगी, वो जो तरीका है यूज़ करने का, वही आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट है। और यही जो तरीका है, ये जो आप दिमाग लगा रहे हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, वही है आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, वही क्या होता है आपका फोर्थ फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल। और यहाँ पर आप क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो सारे जो आपने फैक्टर्स अभी देखे, लैंड देखा, मनी देखा, आपने कैपिटल देखी, लेबर देखा, इन सबको मिला दो, सबको मिला दिया तो क्या बन जाएगा, तब आपका बन जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है, अगर कोई आपसे बोलता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बताओ, तो आपको बताना होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा। सबसे पहले आएगी लैंड होनी चाहिए, फिर आएगी लेबर होना चाहिए, फिर क्या होगी आपकी फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए, फिर क्या होगी आपकी ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो ह्यूमन अपना दिमाग लगा रहा है, वो होती है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने सारे देख लिए हैं।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मिंग इन पालमपुर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट। और हमारा आराम से छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा हमारा सब्जेक्ट है, इसको आराम आराम से पढ़ेंगे। पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, तो मज़े से पढ़ते हैं। तब तक आप अपनी नॉलेज ट्रेजर हंटिंग को ऑन रखो, ठीक है, नॉलेज को और गेन करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मिंग इन पालमपुर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। बाय।